हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एडवांस बाबा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। यदि आपने पैन कार्ड बनवाया है और वो बन गया है लेकिन आपके डाक के द्वारा घर पे नहीं आया है, तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करके भी उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप अपने पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वाली वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले ये वाला वीडियो बनाया था, इसमें भी मैंने पैन कार्ड को डाउनलोड करना बताया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो कंपनियां हैं जो पैन कार्ड बनाती हैं, एक तो NSDL, एक UTI। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो NSDL के द्वारा आप पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये बताया था, लेकिन आज मैं UTI साइट के द्वारा आप अपना पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो बताने वाला हूँ। तो अभी आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कई सारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो इसमें से हमको सिंपल यहाँ पे पैन कार्ड सर्विस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पैन कार्ड की साइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो आप अपने पैन कार्ड के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। फॉरेन सिटीजन के लिए यहाँ पे पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड में करेक्शन या कोई चेंज करवाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यदि पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमको डाउनलोड करना है तो हम अभी देख लेते हैं कैसे करना है। अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना पैन कार्ड नंबर भरना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है ये वाला, आप ये वाला यहाँ पे फिल कर देंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं फटाफट से जानकारी फिल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी फिल कर दी है। अब मैं सिंपल यहाँ पे सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपकी डिटेल सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पैन कार्ड के शुरू के डिजिट और लास्ट के डिजिट और आपका मोबाइल नंबर दिखाया गया है। तो अगर सही हो ये जानकारी तो आप सिंपल यहाँ पे ये वाला कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके सिंपल गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो OTP हम फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद आप सिंपल यहां पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे 8 रुपये 26 पैसे का पेमेंट करना है, तब आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जो NSDL की साइट होती है उस पर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन UTI की साइट पर आपको कुछ अमाउंट लगता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए और यहाँ पर अपनी ईमेल ID भर दीजिए। यहाँ पे आप बिल डेस्क के ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पेमेंट मोड में आ गए हैं। तो आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं सिंपल उसको सिलेक्ट करिए। जैसे मुझे यहाँ पे QR कोड के द्वारा करना है तो मैंने QR कोड सिलेक्ट किया, मेक पेमेंट किया। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और स्कैन करके मैं पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैंने पेमेंट कर दिया है। अब हमको फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसी साइट पे। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आप देख सकते हैं आपका पैन कार्ड है जो वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि द पैन कार्ड लिंक सेंड योर मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड की गई है जिसके द्वारा आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस लिंक पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी लिंक आ जाएगी तो आप सिंपल सा उस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर जो भी लिंक आई है आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाली वेबसाइट पर फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सिंपल सा आपके मोबाइल नंबर पर एक फिर से OTP आएगा, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन आ गए हैं डाउनलोड करने के। तो आप सिंपल से यहाँ पे अपना पैन कार्ड PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और अगर XML फाइल में चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको PDF में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा PDF डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब मैं अपने पैन कार्ड को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको पासवर्ड अपनी जो भी जन्मतिथि होगी आप बिना किसी स्लैश के या बिना किसी कॉमा के डायरेक्ट अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पैन कार्ड आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मेरा पूरा पैन कार्ड है जो मैंने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। तो यदि आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये चीज़ पता लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।